Next question. Check the given function is surjective or not. हम लोग को चेक करना है कि given function surjective होगा या नहीं होगा. उसके लिए already given है. Let a equal to 1, 2, 3. ये एक set है. B एक another set है. उसका member 4, 5, 6, 7. And let f is also set of order pair 1, 4, 2, 5, 3, 6. B a function from a to b. इसका मतलब a एक तो और b दो हम लोग का अलग अलग सेट. एक तो सेट a है, एक सेट है b. दोनों के बीच में एक फंक्शन ऑलरेडी है f. a सेट का मेंबर ऑलरेडी गिवन है 1, 2, 3 लिखे हैं. b सेट का मेंबर है 4, 5, 6, 7 इसको भी लिखे हैं. इससे कौन रिलेटेड है? यहाँ पर हम लोग फंक्शन से देख रहे हैं 1, 4 से रिलेटेड है, 1 इज रिलेटेड विद 4, 2, 5 से है 2, 5, 3, 6 से है 3, 6 से. हम लोग देख पा रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट जो कि ए सेट में है उसका एक ठो प्री इमेज हम लोग का इमेज मिल रहा है. प्रत्येक सेट का एक ठो इमेज हम लोग को मिल रहा है. लेकिन बी सेट में हम लोग एक ठो मेंबर 7 देख पा रहे हैं. 7 जो है बिलोंग्स कर रहा है बी में. 7 बिलोंग्स टू बी डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन सेट ए. 7 का कोई भी प्री इमेज हम लोग ए सेट में नहीं देख पा रहे हैं. जब हम लोग इसमें कोई एलिमेंट्स हम लोग नहीं देख पा रहे हैं तब इस तरह का फंक्शन को हम लोग ऑन्टो फंक्शन नहीं कहते हैं. यदि सभी एलिमेंट्स का प्री इमेज हम लोग को मिलता तब हम लोग उसको ऑन्टो फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग ऑन्टो फंक्शन नहीं कहते हैं. तब ये एक फंक्शन हुआ लेकिन ये ऑन्टो फंक्शन नहीं हुआ. इस तरह का फंक्शन को हम लोग इंटो फंक्शन कहते हैं. तो इधर हम लोग देख लिए कि ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है. तो ऑन्टो फंक्शन जब नहीं हुआ इसका मतलब ये सब्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि ऑन्टो फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं. जब ऑन्टो फंक्शन नहीं हुआ इसका मतलब वो फंक्शन सब्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं हुआ. हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव. थैंक यू.